हेलो स्टूडेंट्स, सुप्रभातम। मैं प्रवीण शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल संस्कृत टीचिंग के अंतर्गत। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत गद्य शिक्षण, यानी कि संस्कृत रोज टीचिंग। इसी के अंतर्गत सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। गद्य संस्कृत साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है। संस्कृत उक्ति गद्य कविनाम निकषाम वदन्ति, अर्थात गद्य कवियों की कसौटी है। ये प्रोज या गद्य के महत्व को, इम्पोर्टेंस को प्रकट करती है। इस ये जो तथ्य है इसकी ओर भी संकेत करता है कि गद्य पद्य की अपेक्षा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि पद्य में कवि की भूलों की मात्राओं के जो संबंधन होते हैं उसकी व्यवस्था को कहकर उपेक्षा कर दी जाती है, किंतु गद्य लेखक को प्रतिक्षण सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। इसीलिए कवि कबीर रैदास जैसे, जो कि बिना पढ़े लिखे नहीं थे, इन्होंने स्वयं स्वीकार किया है एक महान कवि बन गए। परंतु एक गद्य का लेखक जो होता है वह हमेशा विद्वान यानी कि पढ़ा लिखा ही होता है, क्योंकि गद्य लेखक को अपनी शैली के विकास के लिए व्यक्तिगत गुणों का आश्रय लेना पड़ता है। उसके बिना उसका गद्य प्रगति को प्राप्त नहीं होता। तो सबसे पहले आइए हम देखते हैं गद्य की शाब्दिक व्युत्पत्ति एवं अर्थ यानी कि मीनिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं आचार्य दंडी के अनुसार। आचार्य दंडी कहते हैं, अपादा पद संतानो गद्धम, यानी कि पाद रहित पद सुबंत तिगंत समुदाय गद्य है। अर्थात जिस सुबंत तिगंत पद समुदाय में गण मात्रा नियत पद नहीं होते उसे गद्य कहते हैं। और यजुर्वेद में जो है, यजुर्वेद एवं गद्य को कुछ इस तरह से स्पष्ट किया गया है, और साहित्य दर्पण में विश्वनाथ ने भी ये दिया है कि गद्दम, अर्थात छंद बंधन हीन शब्द और अर्थ की योजना गद्य है। अब हम देखेंगे अंग्रेजी शब्द कोश के अनुसार। गद्य का अंग्रेजी पर्याय प्रोज है। अंग्रेजी शब्द कोश में प्रोज या गद्य की व्याख्या करते हुए लिखा गया है, लैंग्वेज स्पोकन और रिटेन एज इन ऑर्डिनरी यूजेज विदाउट मैटर और रियम। कहने का तात्पर्य है, अर्थात द्वंद्व रहित रूप में मौखिक या लिखित रूप में साधारण तरीके से कही गई बात गद्य है। और अन्यत्र भी कहा गया है, यानी कि अपीचा, स्ट्राइट डायरेक्ट, अंडर्ड स्पीच, अर्थात सीधी और स्पष्ट अलंकार रहित उक्ति गद्य है। डॉक्टर अखिलेश पाठक के अनुसार इन्होंने अपने शब्दों को बांधा है। इन्होंने लिखा है कि पद विनियोग विधानों तथा लय से रहित कथन चातुर्युक्त शब्द संधान गद्य कहलाता है। ये जो मत दिए गए हैं उपयुक्त मतों से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट रूप से बोला जाने वाला यह शब्द विन्यास जिसमें पद बंधन नहीं होता गद्य कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा गद्य शिक्षण के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रोज टीचिंग। तो इसके अंतर्गत जो है गद्य शिक्षण के उद्देश्यों का निर्धारण शैक्षिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। स्तर के अनुरूप ही शिक्षण उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं पूर्व माध्यमिक स्तर यानी कक्षा 6 से 8 तक। पूर्व माध्यमिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण यानी कि संस्कृत गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं वे इस प्रकार से हैं, छात्रों को संस्कृत भाषा से परिचित कराना, उनमें संस्कृत भाषा के प्रति आकर्षण उत्पन्न करना, उन्हें नए शब्दों से परिचित कराना तथा उनके शब्द कोश में वृद्धि करना, उन्हें संस्कृत भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन का अभ्यास कराना, छात्रों को पाठगत भावों एवं विचारों को समझने व ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना, छात्रों का चारित्रिक, बौद्धिक, तार्किक एवं वैचारिक विकास करना। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये हो जाता है कि चरित्र के निर्माण की अवस्था होती है कक्षा 6 से 8 तक की। कक्षा 6 में बच्चा लगभग 10 साल का हो चुका होता है और उसमें काफी जो है समझदारी आ गई होती है। तो इस समय जो सिखाया जाएगा उसका प्रभाव उस पर वैसा का वैसा ही पड़ेगा। इसलिए इसमें चरित्रगत बातें यानी नैतिकता की बातें बहुत ज्यादा सिखाई जाती हैं। और संस्कृत में जो है नैतिकता की अनेक कहानियां, श्लोक आदि भरे पड़े हैं जो कि पाठ्यक्रम में हैं, उसके माध्यम से उसके चरित्र का निर्माण यानी कि छात्र के चरित्र का निर्माण होता है। बौद्धिक विकास यानी कि जब बालक पुस्तकों के अर्थ समझता है, पाठों के अर्थ को समझता है, शब्द अर्थ देखता है, तो उसकी बुद्धि का विकास बहुत तेजी से होता है। तार्किक यानी तर्क करने की क्षमता आ जाती है। अगर कहीं भी उसे कुछ दोष दिखाई देते हैं भाषा में या कोई भी ऐसी बात आती है जिसे में प्रश्न करना अनिवार्य हो जाता है, वहां तर्क करने की शक्ति भी प्रखर होती चली जाती है। नेक्स्ट है हमारा माध्यमिक स्तर।
यानी कि कक्षा 9 से 12 तक। ये बहुत ही एक तरह से किशोर अवस्था होती है और चरित्र निर्माण की अवस्था होती है, उसके पूरे विकास की, शारीरिक विकास की अवस्था होती है, सामाजिक विकास की अवस्था होती है, नैतिक विकास की अवस्था होती है। तो इसमें जो उद्देश्यों का निर्धारण बड़े सोच समझ कर किए जाना चाहिए। छात्रों में संस्कृत भाषा एवं साहित्य के प्रति इसमें रुचि उत्पन्न करना मुख्य उद्देश्य है। छात्रों के सौक्तिक, सौक्तिक से मतलब है सूक्ति, जो मुख्य बिंदु होते हैं, कोई श्लोक है उसमें जो मुख्य बात होती है वो सूक्ति के रूप में लिखी जाती है, कही जाती है और पढ़ी जाती है। एवं शाब्दिक भंडार में अभिवृद्धि करना, छात्रों में ऐसी क्षमता का विकास करना कि वे गद्यकार के भावों के अनुरूप गद्य पाठ का वाचन कर सकें। उनमें तर्क शक्ति एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, यानी कि जैसा वह पढ़ रहे हैं उससे थोड़ा हटकर और सोच सकें, कल्पनाएं कर सकें, उनमें पाठगत आदर्शों को ग्रहण कर अपना चरित्र निर्माण करने की क्षमता विकसित करना, उन्हें संस्कृत की विविध गद्य शैलियों का ज्ञान प्रदान करना, उन्हें विविध विषयों का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि संस्कृत में अनेक विषय समाहित होते हैं, तो विविध विषयों से तात्पर्य यही आया जाता है, क्योंकि उसमें संस्कृत गणित सभी विषयों का समावेश है। उन्हें जीवन के उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना कि आदर करना है, सत्कार करना है, दूसरों का सम्मान करना है, वाणी किस तरह से प्रयोग करनी चाहिए, ये सब बातें संस्कृत में समाहित हैं। अतः जीवन उपयोगी व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करना जो है संस्कृत का और ज़्यादा मुख्य उद्देश्य हो जाता है। नेक्स्ट इसमें आ जाता है उच्च स्तर, यानी कि स्नातक कक्षाएं, ग्रेजुएशन लेवल। उच्च स्तर पर संस्कृत गद्य शिक्षण के जो उद्देश्य हैं इस प्रकार से हैं, छात्रों को संस्कृत वाङ्मय के ज्ञान भंडार से परिचित कराना, क्योंकि इसमें नॉलेज की कोई सीमा नहीं है, इसमें प्रत्येक क्षेत्र में इसका गद्य हो या फिर पद्य हो, कहने का तात्पर्य प्रोज हो या पोइट्री हो, ग्रामर हो, स्टोरी हो, कुछ भी हो, इसमें जो है बहुत ज़्यादा ज्ञान भरा पड़ा है। तो इसी ज्ञान भंडार से परिचित कराना एवं उन्हें गद्य काव्य के रसास्वादन के लिए प्रेरित करना, छात्रों को विविध गद्य शैलियों से परिचित कराना तथा उन्हें अपनी रुचि के अनुकूल शैली में लिखित गद्य ग्रंथों की रसानुभूति करने की प्रेरणा देना, उनमें अपने मौलिक भावों को संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त करने की योग्यता विकसित करना, क्योंकि इस लेवल पर छात्र जब पहुंच जाता है, जब तक वह अपने भाव संस्कृत भाषा में अभिव्यक्त ना कर सके, लिख ना सके, तो उसके अध्ययन का कोई औचित्य नहीं बचता है। उनमें समालोचनात्मक शक्ति और विवेक बुद्धि का विकास करना, उनकी तर्क शक्ति तथा कल्पना शक्ति को विकसित करना, कल्पना शक्ति को विकसित करने का उद्देश्य माध्यमिक स्तर पर भी था और प्राथमिक स्तर पर भी था, यानी पूर्व माध्यमिक स्तर पर भी था, लेकिन इसमें कल्पना करने की शक्ति की सीमा ऊपर हटकर हो जाती है, इसमें साहित्य रचनाएं भी करने लगते हैं बालक। छात्रों में अपने चारित्रिक विकास की क्षमता का विकास करना, क्योंकि अपने बारे में सोचने समझने की शक्ति स्वयं ही उत्पन्न हो जाती है। भारतीय संस्कृति की विशेषताओं से परिचित कराकर उनमें अपने राष्ट्र और संस्कृति के प्रति गौरव की भावना उत्पन्न करना, ये जो है उच्च स्तर यानी कि स्नातक कक्षाओं पर या कक्षाओं के छात्रों के लिए मुख्य उद्देश्य हैं गद्य शिक्षण के। नेक्स्ट आया था संस्कृत गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो वर्णित उद्देश्य जो अभी बताए गए थे गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्य हैं। गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है जिसका संबंध प्रस्तुत पाठ से होता है। मुख्य उद्देश्य में प्रस्तुत पाठ से संबंधित वस्तु बोध एवं भाषा ज्ञान सम्मिलित रहता है। गद्य शिक्षण प्रारंभ करने से पूर्व जो मुख्य बातें हैं वे इस प्रकार से हैं। पाठ को पढ़ाने से पूर्व उसे सरलता से कठिनता के क्रम में विभाजित कर लेना चाहिए और पाठ से संबंधित उद्देश्य कथन कर देना चाहिए और उसके जो नवीन शब्द मुहावरे आदि का भी चयन कर लेना चाहिए कि उस उद्देश्य से रिलेटेड हैं, उनको छात्रों को विशेष रूप से अवगत कराया जाना चाहिए। अतः गद्य शिक्षण कराते समय एक अध्यापक का नैतिक कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य बन जाता है कि वे उद्देश्यों का ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।